हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास टेंथ की इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट के लेसन वन ए लेटर टू गॉड के चार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की स्टडी की थी। इस वीडियो से हम आगे के क्वेश्चन आंसर्स की स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन। हु मीन्स कौन, व्हाट मीन्स क्या। तो कौन और किस में लेंचो को पूरा भरोसा था। लेंचो को किस में पूरा भरोसा था। व्हाट डिड ही डू और उसने क्या किया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, आपको इसको अच्छे से याद करना है। आंसर, लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो को ईश्वर में भरोसा था। ही रोट अ लेटर टू गॉड फॉर 100 पीसोस। उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा। किस लिए लिखा, 100 पीसोस के लिए लिखा, यानी उसको 1000 पीसोस चाहिए थे, उसके लिए उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मेड हिम, व्हाट मेड लेंचो एंग्री। लेंचो को गुस्सा क्यों आया, लेंचो क्यों गुस्सा हो गया था। आंसर, लेंचो वॉज एंग्री। लेंचो को गुस्सा आया बिकॉज, क्योंकि देयर वर ओनली 70 पीसोस इन द एनवेलप, क्योंकि लिफाफे में केवल 70 पीसोस थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। क्यों पोस्ट मास्टर ने लेंचो को रुपए भेजे, क्यों भेजे थे। आंसर देखिए, और उसके आगे सेकंड क्वेश्चन भी है कि व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने गॉड के साइन क्यों किए, वो गॉड के साइन क्यों करता है। मीन्स पोस्ट मास्टर लेंचो को रुपए क्यों भेजता है और वह ईश्वर के साइन क्यों करता है। आंसर, द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा गया है, द पोस्ट मास्टर को सबसे पहले लिखा गया है, द पोस्ट मास्टर जो हमारा सब्जेक्ट है। फिर सैंड में, ये डज में है क्वेश्चन, इसलिए सैंड में एस जुड़ेगा, सैंड्स मनी टू लेंचो। एंड अब साइन में भी एस जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डज में ही क्वेश्चन, साइंस द लेटर गॉड में से जो क्वेश्चन है सिंपल प्रेजेंट टेंस में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे एस जोड़ा गया है वर्ब में, साइंस द लेटर गॉड बिकॉज। ही डज नॉट वॉन्ट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड, यानी पोस्ट मास्टर लेंचो को रुपए भेजता है और ईश्वर के साइन करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था लेंचो का जो भगवान में भरोसा है वह बिल्कुल भी भरोसा हिले, यानी वो ईश्वर में भरोसा बनाए रखना चाहता था, इसीलिए वो लेंचो को रुपए भेज देता है। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। क्या लेंचो ने जानने की कोशिश करी कि उसे रुपए किसने भेजे हैं। व्हाई, व्हाई नॉट, क्यों नहीं करी उसने ये जानने की कोशिश। आंसर, नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट। देखिए, जब क्वेश्चन नेगेटिव में रहता है तो सबसे पहले आता है नो, और उसके बाद में ये जो हमने सब्जेक्ट लिखा वैसा कैसा लिखेंगे, और यहाँ डिड में क्वेश्चन है तो इसीलिए डिड का हो जाएगा डिड नॉट। नो, लेंचो डिड नॉट, उसके बाद आगे का जो आंसर है ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, ये वैसा का वैसा आ जाएगा। ठीक है, नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। नहीं, लेंचो ने जानने की कोशिश नहीं करी उसे रुपए किसने भेजे। आगे क्वेश्चन था व्हाई या व्हाई नॉट, क्यों या क्यों नहीं, इसलिए हमारा आंसर आएगा बिकॉज में, बिकॉज ही वॉज वेरी श्योर दैट गॉड हिमसेल्फ हैड सेंड द मनी, क्योंकि उसको पूरा भरोसा था कि ईश्वर ने खुद उसको ये रुपए भेजे हैं। ठीक है, तो ये इस लेसन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको इनको याद करना है, आपकी रफ कॉपी में बार बार लिख के देखना है और इन्हें अच्छे से याद करना है। ठीक है, इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा, आपको ये प्रश्नोत्तर याद हो जाएंगे। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपके फ्रेंड्स को भी आपको इसके बारे में बताना है कि वो भी इसी प्रकार से स्टडी करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।